हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है नए वीडियो में। वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों के पास शेयर जरूर कर दें। बहुत ही पावरफुल मैसेज है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या मसीही होली मना सकते हैं? उनके लिए सही है या गलत? देखिए, हमारा वीडियो किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सत्य को बताना है, और वो सत्य है प्रभु यीशु मसीह। और ना तो हमारा वीडियो किसी धर्म से संबंधित है। देखिए, इस संसार में बहुत कुछ होता है, इस संसार की ओर मत जाओ। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, वीडियो को पूरा देखें, सच्चाई जानना है तो। देखिए, प्रभु में आने के बाद हम इस दुविधा में हैं, तो वही मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, बाइबल हमें इजाजत नहीं देती है इस विषय में कि तुम होली मनाओ। आज इस संसार में मनुष्य क्या कर रहा है? होली मना रहा है, एक दूसरे के लिए रंग लगाता है। भाभी, मैं आज आपको रंग लगाऊंगा। अब भाभी तो बुरा नहीं मानेंगी, मगर जो ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर बैठा है, उसको तो बुरा जरूर लगेगा, क्योंकि उसने आपके लिए लहू बहाया, इस संसार से चुना है आपको। होली के दिन दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, लड़ाई, मारपीट, झगड़ा, वही सब करते रहते हैं। आज मनुष्य अपने आप को और अपने घरों को तो चमचमा देते हैं, मगर जो उसके मन के अंदर अंधकार है, वो कैसे दूर होगा? देखिए, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता, बस सत्य को बताना है, और सत्य प्रभु यीशु मसीह। जब किसी पर अचानक विपत्तियां पड़ती है, तो वह कुछ भी बाकी नहीं रखता है। कहीं मंदिर, गुरुद्वार, मस्जिद, फिर फकीर बाबाओं के पास जाते हैं, फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं मिलती है, और बाद में फिर उससे भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा था, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आज मनुष्य होली मनाता है, एक दूसरे के लिए रंग लगाता है, नए नए कपड़े पहनता है, और जो उसके मन के अंदर अंधकार है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दूर होगा। आज मनुष्य कुछ भी बाकी नहीं रखता है, फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं है, तो क्या फायदा इस त्योहार से? बाद में फिर से वही लड़ाई, झगड़ा, मारपीट। शांति केवल आपको प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। और लोग क्या कहते हैं? अरे, वो तो यीशु मसीह में हो गया है, अपना धर्म बदल लिया है। यीशु धर्म नहीं बदलता, यीशु जीवन बदलता है। आज मनुष्य क्या कर रहा है? आज मनुष्य अपने ही हाथ की बनाई हुई मूर्तियों के आगे सिर झुकाता है, चढ़ावे चढ़ाता है, पैकर्मे लगाता है, फिर भी उसके जीवन में दुख तकलीफ ही रहती है, और लड़ाई, झगड़ा, मारपीट ही होता रहता है। होली के दिन भी होता रहता है, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ देना चाहता हूँ, जैसा लिखा हुआ है यूहन्ना की पुस्तक में 2:15 वचन में, तुम ना तो इस संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। वचन साफ और स्पष्ट रूप से शिक्षा देता है, अगर तुम इस संसार के लोगों से, संसार की वस्तुओं से, जो सब त्योहार मनाते हैं उन संसार के लोगों से, संसार की वस्तुओं से प्रेम न करो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर पवित्र है। अगर आप संसार के लोगों से प्रेम कर रहे हो, संसारिक रीति रिवाज के काम करते हो, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। वीडियो को ध्यान से देख लेना, खुदा आपसे बात करेगा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। होली मनाने से आप स्वर्ग नहीं चले जाओगे, स्वर्ग में वही लोग जाएंगे जो पवित्र होंगे, जो इस संसार से निष्कलंक होंगे, वही स्वर्ग में उठाए जाएंगे। कुरिन्थियों 6:14 वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए, अविश्वासियों के साथ आसमान के जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगत? अविश्वासी कौन है? जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उनके साथ हम संसारिक काम न करें, क्योंकि हम सभी ज्योति की संतान है, अंधकार की संतान हम सभी नहीं है। इसी का मैं एक और वचन पढ़ देता हूँ, जैसा लिखा हुआ है 17 वचन में, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तब मैं तुमको ग्रहण करूंगा। क्योंकि यीशु मसीह खुद कहते हैं, मेरे प्रियो, उन मनुष्यों के बीच से निकलो जो संसारिक हैं, संसारिक काम करते हैं। संसारिक काम तो आपको पता ही है कौन से होते हैं, जैसा व्यभिचार करना, चुगली करना, मूर्ति पूजा पूजना, गाली देना, एक दूसरे की बुराई करना, क्योंकि अशुद्ध वस्तु को हम नहीं छू सकते हैं। अगर आप संसारिक काम करोगे, अशुद्ध वस्तु को छूओगे, तो परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है मेरे प्रियो, और आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा। अगर आप मसीह में आए हो, तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आप मसीह में एक नई सृष्टि हो, मसीह में आपको एक नया जन्म मिला है, वे सब पहले की बातें बीत गई, अब देखो सब नया हो गया है। हम सभी ज्योति की संतान हैं। आई हो, आशा करता हूँ छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। J
जो भाई बहन हमारे साथ में प्रभु यीशु का सुसमाचार फैलाना चाहते हैं, वो हमारी मिनिस्ट्री की बिल्कुल फ्री में मदद कर सकते हैं। मदद करने के लिए वो हमारी इस वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे वीडियो शेयर करने का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपकी हर एक समय सहायता करे।